चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर अभी क्लिक करें, साथ ही जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार, राजस्थान प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। सिरोही पुलिस ने पिछले दिनों जड़ोली में हुई मुठभेड़ में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ शातिर युवक एटीएम के बाहर खड़े होकर लोगों से मदद के बहाने उनसे धोखाधड़ी करते थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। चूंकि पिछले कई दिनों में कई ऐसी शिकायतें आई थी जहां पे लोगों ने ठगी का आरोप लगाया था और ये लोग एटीएम के बाहर खड़े होकर अक्सर वहां पे जो लोग आते थे पैसे निकालने उनको ठगते थे, कभी कार्ड बदल के कभी किसी दूसरे तरीके से। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक कितने लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है, कैसे ये धोखाधड़ी करते थे, ठगने का काम करते थे और गिरोह में कितने लोग हैं, ताकि इनकी पूरी चेन तक पुलिस पहुंच सके एक एक कड़ी को जोड़कर। तो एटीएम कार्ड से ठगी करने वाला ये गिरोह है जो अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का काम कर रहा था और लगातार यहां से पुलिस को शिकायतें मिल रही थी ठगी की, जिसके बाद पुलिस ने भी जाल बिछाया और इनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। अब इनसे पूछताछ ये की जा रही है ताकि इनके जो दूसरे लोग हैं गिरोह के उन तक भी पहुंचा जाए और जो लोगों को ठग रहे हैं उनको महफूज किया जाए, उन्हें बचाया जाए उन लोगों को ठगने से। तो एटीएम कार्ड से ठगी करने वाला ये गिरोह है जहां लोगों को ये ठग रहा था, कभी उनका कार्ड बदल के, कभी उनसे मदद के नाम पे, कभी उनका पिन नंबर चेंज करके। लियाकत अली हमारे संवाददाता इसी खबर पे। लियाकत, किस तरीके से पुलिस के ये हत्थे चढ़े, चूंकि शिकायतें तो यहाँ से कई दिनों से मिल रही थी कि लोगों को ठगा जा रहा है, कभी कार्ड एटीएम बदल के, कभी दूसरे तरीके से, अब क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये परसों रात में करीब 12-1 बजे संदिग्ध अवस्था में पुलिस को मिला था, तो ताकि पुलिस को इसने सही प्रकार से जवाब नहीं दिया, जिस पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने इससे पूछताछ की, तो इसके साथ कड़ी खुलती गई और इस 4 अन्य और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। टोटल 5 लोगों को पुलिस ने हालांकि हिरासत में ले लिया है और इनसे और कई नई वारदातें खुलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। वही इनकी एक खास बात है कि ये लोग यानी जो अशिक्षित या जो ना समझते ऐसे लोगों को काफी आसानी से शिकार बनाते थे अपना। कैसे ये टारगेट करते थे, लियाकत कैसे टारगेट करते थे कि हमें इस शख्स को निशाना बनाना है, और क्या इनके गिरोह में और भी लोग हैं, क्या यहाँ से तरह तरह की शिकायतें आ रही हैं पुलिस के पास ठगी की? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली में जो एटीएम कार्ड होते थे उनके आसपास में रेकी करते थे, वहां पर मौजूद रहते थे। इनको ऐसा कोई शख्स लगता था जो कि इनको डाउट होता था कि ये अपने हाथ से कर सकता है। इनके अभी और भी लोग हो सकते हैं। शुक्रिया लियाकत जानकारी के लिए। पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके गिरोह के दूसरे सदस्यों तक पहुंचा जा सके।